भ्रष्टाचार निरोधक विशेष अदालत में लिपिक भर्ती घोटाला प्रकरण के आरोपी निलंबित सेशन जज अजय शारदा को गिरफ्तारी किए बिना आरोप पत्र पेश करने के मामले में जिला बार एसोसिएशन ने 2 दिनों के लिए अदालती कार्य का बहिष्कार कर शारदा की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी। बार अध्यक्ष अजय त्रिपाठी और सचिव धर्माराम चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अमिताभ रॉय को पत्र भेजकर बताया है कि निलंबित जज शारदा के विरुद्ध मुकदमा चलाने के संपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। अभियोजन की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है, लेकिन अब भी गिरफ्तारी नहीं होने से न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है। राजस्थान बार काउंसिल और जिला बार एसोसिएशन पूर्व में भी शारदा की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन कर चुकी है, लेकिन हजारों वकीलों की इस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी के विरोध में 20 और 21 मई को एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। त्रिपाठी ने बताया कि यदि शारदा की गिरफ्तारी जल्द नहीं की गई तो प्रदेश भर के वकीलों के समर्थन से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं राजस्व मंडल में भी शारदा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने 2 दिन के अदालती कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया है। आज हमने पूर्व में जो यहाँ जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अजय शारदा जी थे, उनको लिपिक घोटाले के अंदर अभियुक्त बनाया था एसीबी ने। उनकी अभियोजन स्वीकृति मिलने के बावजूद भी एसीबी ने आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि प्रोसिक्यूशन परमिशन आज से 4-6 महीने पहले मिल चुकी है और इस घटना को 1 साल हो चुका है। अजय शारदा जी के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होने के बावजूद भी एसीबी ने आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। उससे लेके अजमेर जिले के सभी वकीलों में भारी रोष है। उसके मद्देनजर रखते हुए उन्हें अजय शारदा की गिरफ्तारी को लेके अजमेर जिले के सभी वकीलों ने 2 दिन का न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया है और 2 दिन तक कोई भी न्यायिक कार्य अजमेर जिले के कोई वकील नहीं करेंगे। अजय शारदा को अगर शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया तो वकील उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे राज्य स्तर पर इसको लेके वकीलों में रोष व्याप्त है और पूरे राज्य स्तर पर इस आंदोलन को चलाया जाएगा।